बुरा नोरा तो दिल में है और आप हमारे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स इमरान खान 11। सो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये अभी का नहीं, ये थोड़े दिन पहले मैं गया था फिल्म सिटी में एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था उस दिन। और क्या सीन हुआ था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आपको इंट्रो वहाँ बनाना चाहिए तो आप घर पर बैठ के क्यों बना रहे हो। सो क्या सीन है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था तो मैं उसके थ्रू गया था फिल्म सिटी में, वही मतलब मेरे को बुलाया था एंड वो मेरे को कॉल किया था, बोला भाई जल्दी से फिल्म सिटी में आ जाए, यहाँ पे मतलब इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 2 का लॉन्च शो था, सो इसके लिए मैं गया था। जल्दी जल्दी मैं ऐसा अचानक मैं बुला लिया था, बोला आने तो आ जा तू भी देख लेना। सो मैं फटाफट भाग के गया, बट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊंगा ऐसा कुछ, तो इसके लिए मैं मतलब इंट्रो नहीं बना पाया। मैं वहाँ पे बहुत से मतलब थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया तो मैं सोचा वही आप लोग को दिखा देता हूँ। गए थे फिल्म सिटी में, गए अंदर गए, हाँ हम लोग अंदर गए, फिर हम लोग पहले तो उनसे मिले, अनुष्का शर्मा मैम से मिले, मतलब उनका अंदर ही वो था, मतलब किसी ऐड का शूटिंग चल रहा था उनका, तो उधर ही हम लोग उनसे मिले। सो मैं उनके मतलब फोटो वोटो कुछ ले नहीं पाया था, बट बैक कैमरा से मैंने शूट किया। सो वीडियो आप लोग पहले वो देख लो। अनुष्का मैम एक बार पीछे, एक बार इस बार, एक बार इस बार, एक बार। सो आप लोग ने देखा रहेगा कि मैंने अनुष्का शर्मा मैम से भी मिला था फर्स्ट टाइम। सो मतलब वो मैम हम लोग को कुछ फोटो वोटो कुछ दिए नहीं, मैं बॉडीगार्ड लोग थे और मीडिया वाले भी रहते, और मीडिया वाले रहते तो आप लोग को पता है कि वो लेने किसको देंगे नहीं। सो इसके लिए मैं फोटो वोटो कुछ ले नहीं पाया, खाली बैक कैमरा से वीडियो बनाया, जो कि आप लोग ने अभी देख लिया रहेगा। सो गाइस उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, हाँ उस बिग बॉस का OTT चालू था तो हम लोग उधर भी गए थे, और वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर राखी सावंत मैम थे, मतलब बहुत से लोग थे भी, हम लोग मतलब मिलने का ट्राई कर रहे थे बट पहले वो लोग बाहर आ ही नहीं रहे थे, तो सो इसके वजह से हम लोग उनसे भी मिल नहीं पाए। सो हम लोग दूसरी जगह गए तो वहाँ पे वो थे तापसी पन्नू मैम एंड उनका वहाँ पे फोटो शूट चालू था, तो हम लोग भी उनसे मिल नहीं पाए, वो मतलब बहुत दूर से और वो मतलब बाहर गेट के पास उनके बॉडीगार्ड लोग थे तो हम लोग को अंदर एंट्री नहीं दिए, तो इसलिए मैं मतलब बाहर से देखा उनका, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया बिकॉज वो बहुत दूर से। सो देखो क्या सुन हुआ पता है, फिर भारती सिंह मैम का मतलब वहाँ पे आई थिंक कपिल शर्मा शो का शूटिंग चालू था, तो मैम मतलब बाहर आए थे, वो मैम बहुत अच्छे से बोली तो वो बाहर आए थे, उनके साथ में मैं फ़ोटो वोटो भी लिया जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा रहेगा। सो वो मैम बाहर आए और उनके मैं उनसे मैं अच्छे से मिला, वीडियो वीडियो बनाया उनका, मैं मतलब ऐसा एक रील्स भी बना रहा था, आप लोगों ने देखा रहेगा। नोरा तो दिल में है और आप हमारे ध्यान में हो। आप लोग ने देखा रहेगा फन, भारती सिंह मैम से भी मिले और वहाँ पे भारती सिंह मैम थे और कृष्णा सर भी थे, सो हम लोग ने दोनों से मिला, और बट मैं फोटो खाली भारती सिंह मैम के साथ में लिया बिकॉज यार वो कृष्णा सर चले गए थे जल्दी। सो मतलब मैं वो मैम बहुत अच्छे, मैं उनका मतलब एक रील्स भी बना, मैंने फ़ोटो भी लिया, मैम ने फ़ोटो भी दिया, तो मैम अच्छे ही थे, मतलब अच्छे से बात भी कर रहे थे, ऐसा मजाक मस्ती कर रहे थे तो अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर जैसे थोड़ा टाइम हुआ तो कितना टाइम हो गया रहेगा, मैं मतलब 2 बजे यहाँ से गया था फिल्म सिटी में, 2 बजे भारती सिंह मैम के मिलने के बाद कितना टाइम हो गया था, 7 PM हो गए थे। सो उसके बाद फिर मैं फ्रेंड ने बोला अभी घर पर जाके क्या करेगा, चल उधर जाते इंडियाज़ बेस्ट डांसर के सीजन 2 के लॉन्च शो में, तो मैं बोला मैं मतलब ऐसा सोचा जाओ कि नहीं, इधर रहता हूँ कांदिवली में एंड वो ऐसा गोरेगांव में, और रात भी हो गया था तो अभी जाओ कि नहीं, फिर बोला चलो चलते अभी। वो भी गोरेगांव में था, ये मतलब एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में था वो उनका शो, तो मैं फिर उधर गया और वहाँ पर मतलब मैं जैसे गया फिर मेरे को मलाइका अरोड़ा मैम से मैं पहले मिला। तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने मलाइका अरोड़ा मैम से मिला, उसके बाद हम लोग अंदर गए, अंदर मतलब इवेंट शो जहाँ पे चल रहा था, सो हम लोग वो रूम में गए एंड वहाँ पे हम लोग मस्त सीट में बैठे, मस्त वहाँ पे खाने पीने का भी सब था, और मीडिया वाले तो बहुत सारे मीडिया वाले आए थे लाइन से पीछे, सब कैमरा लेके खड़े थे। फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब इंडिया से बेस्ट डांसर के तीनों जजेस आए, मलाइका अरोड़ा आए, गीता मैम आए एंड टेरेंस सर भी आए, मेरे को नाम पता नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो तीनों आए एंड मैं तीनों से मिला और वीडियो में बना जो कि मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। सो आप लोग पहले वो वीडियो देख लो।
तो आप लोग ने देख लिया रहेगा, मैंने गया वहाँ पे एंड मैं फर्स्ट टाइम गया था, मेरे को यार बहुत अच्छा लगा, सही बोली तो बहुत मज़ा आया। और फिर मतलब मैं वहाँ पे इतना देर बैठा, मेरे को बहुत बहुत टाइम हुआ और टाइम का मेरे को पता भी नहीं चला। 7 बजे वहाँ पे गया था और मेरे को 9 बजे गया, तो 9 बजे तक मैं उधर ही था। उसके बाद मेरे को लेट भी हो रहा था, तो फिर मैं वहाँ से आया बाहर, खाना वाना खाया एंड खाना वाना खा के मस्त निकल गया घर पे। सो ये वीडियो मतलब कुछ दिन पहले का वीडियो, तो सो मैं सोचा अभी आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो मैं बोला, चलो आज ही आप लोग को बता देता हूँ। सो यही था आज के इस वीडियो में। सो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये वाला वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अभी तक से थोड़ा अलग वीडियो रहेगा बट कोई नहीं, बट मैं सही बोलूँ मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं फर्स्ट टाइम वैसी किसी जगह में गया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और बस फिर आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोग को बताना था, और ऐसे ही अभी हमारे आगे चल के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि प्रैंक कॉल आएगा एंड लाइफ स्टाइल टाइप ब्लॉग आएगा, और जैसे कि मैं कहीं घूमने जाऊँगा वो भी वीडियो आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर देना। सो बस फिर आज के इस वीडियो को इधर ही एंड करते, और को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। और आप सब लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, और आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो और सेफ रहो। और मेरे को जाना है अभी पतंग उड़ाने, तो जाता हूँ।